वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है फेमी सेफ एप्लीकेशन ने, जो कि वंडरशेयर की तरफ से आने वाला एक पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, इसकी मदद से आप अपने बच्चों के मोबाइल को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सारी लोकेशंस आप ट्रैक कर सकते हैं। आप यूट्यूब ऐप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियोस ब्लॉक कर सकते हैं, चैनल ब्लॉक कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है, अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 डेज़ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। तो जाइए उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। हे गाइस, दिस इज मी अबूजर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करेंगे इस बजट 4K एक्शन कैमरे का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और देखेंगे कि ये सच में एक बजट 4K एक्शन कैमरा है, कहीं आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं, आप इससे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी आपको इसे माउंट करते टाइम या फिर आप इसे कहाँ कहाँ माउंट कर सकते हैं, सभी कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि एक ये बजट 4K एक्शन कैमरा है और क्या ये सच में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये कैमरा मुझे सेंड किया है Banggood.com वेबसाइट ने, जो कि एक चाइना की मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। और हाँ, ये कैमरा मुझे पहले ही मिल गया था जब चाइना में कोरोना वायरस नहीं आया था, ठीक है, तो आप लोग घबराना मत। तो ये इसकी बॉक्स पैकेजिंग देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है और ये सच में है भी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिया हुआ जहाँ से हमारा कैमरा नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ ईकेन की ब्रांडिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे H9R लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं जो कि आपके बॉक्स को सब तरफ कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। लिखा हुआ सारी स्पेसिफिकेशंस बॉक्स पर ही मिल जाएंगी। तो अगर हम इस कैमरे की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, जैसे यहाँ पे आपको फोटो एंड वीडियो दोनों ही मोड मिल जाते हैं और वीडियो में आपको 4K 30fps तक का सपोर्ट मिलता है और आपको स्लो मोशन भी यहाँ पे मिल जाएगा HD में 120fps तक। और यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ केस भी मिल जाता है जो कि आप इजीली अंडर वाटर वीडियोज़ कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वाईफाई भी मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1050mAh की बैटरी मिलती है, HDMI का भी सपोर्ट मिल जाता है और उसका जो वाइड एंगल लेंस है वो 170 डिग्री तक वाइड जाता है। तो कैमरे के साथ में आपको यहाँ पे और भी एक्सेसरीज मिल जाती हैं जो कि अभी हम देख लेते हैं क्या क्या एक्सेसरीज हैं और आप यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें दो बॉक्स और मिले हैं छोटे छोटे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे भी खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहले बॉक्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो माउंट बेस मिले हैं जो कि आप इन्हें कहीं पे भी चिपका सकते हैं, कार पर या हेलमेट पर, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए वरना ये नहीं चिपकेगा और हेलमेट हमारा थोड़ा सा कर्वी होता है। तो वो सब देखने के लिए आपने कैसे करना है वो सब आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया है। और यहाँ पे दो छोटे से टूल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक डेटा केबल भी मिल जाती है जिससे आप कैमरे को चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम अगले बॉक्स में भी देख लेते हैं हमें और क्या क्या मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स मिली हैं जिससे आप अपने कैमरे को अच्छे से और भी माउंट कर सकते हैं। माउंट करने के बाद आप इससे बांध भी सकते हैं ताकि आपका कैमरा अगर निकले तो फिर गिरे ना। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स भी मिल जाते हैं जो कि सभी कुछ काम आने वाले हैं, कुछ भी यहाँ पे बेकार नहीं दिया उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको इसमें एडिशनल एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं और ये छोटा सा माउंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे आप अपने साइकिल या फिर बाइक के हैंडल पर भी लगा सकते हैं। तो यह है हमारा कैमरा जो कि वाटरप्रूफ केस के अंदर है, अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो वाटरप्रूफ केस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे आप इसे बरसात में भी यूज़ कर सकते हैं, पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा 4K एक्शन कैमरा जो कि मेन कैमरा यही है, आप इससे ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आपको कम स्पेस में इसे रखना है तो आप कैसे भी करके इसे माउंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो अभी जो यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो मेरे मेमोरी कार्ड के साथ आ रही थी क्योंकि जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो क्लास 10 का नहीं है और ये कैमरा सिर्फ उस मेमोरी कार्ड को फुल HD पर ही वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे रहा है। मैंने यहाँ पे वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पर के कैसे करें, तो वहाँ पर मैंने देखा कि आपको एक अच्छा SD कार्ड लेना पड़ेगा क्लास 10 का। तो बाकी सब तो ठीक था लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही थी जो कि सभी को आने वाली है, जो हमारा हेलमेट होता है वो आगे जो चिन होती है उसकी वो कर्व होती है और हम इसे इस पे माउंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर हम उसे चिपका रहे थे तो वो चिपकी नहीं रहा था कर्व की वजह से।
तो यहाँ पे मुझे एम सील से पहले उसका बेस बनाना पड़ा, उसके बाद मैंने इसे वहाँ पे फिक्स कर दिया, इसका जो माउंट बेस है। देन हम अपने कैमरे को इसमें माउंट कर सकते हैं और ये काफ़ी ईजी था, सभी को ये करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो सैंपल भी दिखा देता हूँ जो कि सिर्फ फुल HD 30 FPS पर ही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा और कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मेरे SD कार्ड की वजह से। तो हम दूसरे SD कार्ड से इसे चेक कर लेंगे। वैसे तो मैंने वीडियो देखी है, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, पहले उसका नहीं कर रहा था, तो उसने जब मेमोरी कार्ड चेंज किया तो सब कुछ सही हो गया था। तो अभी आप वीडियो देख लो, और अगर मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी वीडियो क्वालिटी। मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतने लो बजट कैमरा से, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल हमारे व्लॉगर्स होते हैं वो GoPro वगैरह यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर आपको इस कैमरे को परचेस करना है तो मैंने इसकी बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 4 से 4,500 रुपए के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग है वो अप डाउन होती रहती है। तो आप पहले से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, फिर जैसे इसके प्राइस कम हो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस कैमरे से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं। और वीडियो ख़त्म हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ही कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग के साथ जो कि सबका शौक रखते हैं वीडियो बनाने का। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।